खरगोन शहर सहित जिले भर में इन दिनों डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मंगलवार को नगरपालिका अमला फैल रही बीमारी से चिंतित होकर शहर में निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। खरगोन जिले में बस स्टैंड परिसर के समीप नगरपालिका ने कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था, जहां इन दिनों मच्छरों ने पैर पसार लिए, जिसके निरीक्षण के लिए नगरपालिका महकमा मौके पर पहुंचा और बीमारी से रोकथाम के लिए कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि इन दिनों खरगोन जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से नगरपालिका के अधिकारियों ने जायजा लेकर साफ सफाई के लिए आदेशित किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या स्थिति अभी है डेंगू जिस तरह से फैल रहा है शहर में और इस तरह से डेंगू की स्थिति है, काफी क्षेत्रों से जो है शहरी क्षेत्रों से केस निकल के आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज जो है नगर पालिका टीमों और मेरे द्वारा जो है वो कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया गया है, जिसमें काफी मात्रा में लार्वा पाया गया है और ये लार्वा किसी भयानक है कि पूरा क्षेत्र जो है वो संक्रमित करने के लिए काफी है। शहर में जो डेंगू की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसमें मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो आपके घर में पानी जमा होता है, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में अंडे देता है, तो ये प्रयास करें कि सप्ताह में एक बार घर के अंदर पानी की साफ सफाई अवश्य करें। घर के कूलर, टंकी, टायर, कंटेनर, छत पे रखा कबाड़ इत्यादि की सफाई करें, ताकि जो है उन पानी में डेंगू मच्छर का लार्वा नहीं बनते और आप सुरक्षित रहें। और अभी जो केस निकल के आ रहे हैं, इसमें छोटे बच्चे अभी निकल के आ रहे हैं, छोटे बच्चों को जो स्कूल को भेजते हैं या घर से बाहर खेलने के लिए भेजते हैं, तो उनको मच्छर दानी में सुलाएं और खेलते समय जो है पूरे दिन के कपड़े पहनाएं। अभी शहर में डेंगू के कितने ऐसे पीड़ित पाए गए? अभी तक शहर में जो है हमारे पास 19 केस प्राप्त हो चुके हैं डेंगू के, और ज़्यादातर केस जो हैं वो शहरी क्षेत्र से हैं, मेन सिटी से हैं, सर्वो सिटी से। यहाँ कॉम्प्लेक्स में देखा कि बड़ी मात्रा में पानी एकत्रित है और यहाँ डेंगू के लार्वा भी दिखाई दिया, क्या है मामला ये? शहरी क्षेत्र में डेंगू के काफी सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ डेंगू मलेरिया ऑफिसर साहब भी हैं, मलेरिया कंट्रोल के लिए ये लोग भी काम करते हैं, नगर पालिका भी काम करती है। तो हमें सूचना मिली थी कि यहाँ बेसमेंट में काफी सारा पानी एकत्रित हो रहा है, तो हम लोग जैसे कल जो है सीएम साहब भी डेंगू के कंट्रोल के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम और डेंगू के लार्वा जो होते हैं उसको नष्ट करने के लिए एक अभियान शुरू होने वाला है। तो उसी के कार्यक्रम में हम लोग अभी बॉर्डों में जा करके तो स्प्रे वगैरह कर ही रहे हैं, और जहाँ पे भी इस तरह के पानी एकत्रित होने की हमें सूचना मिल रही है वहाँ जाके हम लोग सालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं और वहाँ पे स्प्रे वगैरह भी कर रहे हैं। तो नोटिस भी दिया है पहले हम लोगों ने, लेकिन इनके द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई की नहीं है इसमें, तो आज इनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर दी, जहाँ से हम लोगों ने लार्वा को विनष्टीकरण की कार्रवाई की। मैम, शहर में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर प्लाट खाली पड़े हैं और वहाँ पानी एकत्रित हो रहा है, वो भी एक समस्या है। जी बिल्कुल, हमारे दरोगा जो है जो सफाई की स्वास्थ्य वाले की टीम है वो उनको भी निर्देशित किया गया है। हमारा जो भी पखवाड़ा चल रहा है स्वच्छता का, जहाँ पे भी पानी एकत्रित होते मिल रहा है पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करें, और उसके बाद प्लॉट में जो भी केमिकल डलवाना है या मलेरिया ऑयल डलवाना है उसका छिड़काव भी लगातार जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।